फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने ब्लॉगर पर पुश नोटिफिकेशन बेल को कैसे ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जो पुश नोटिफिकेशन होता है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए, क्योंकि इससे आपकी साइट का ट्रैफिक भी इंक्रीज हो सकता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी एक साइट है, मैं आपको उसके एग्जाम्पल के लिए आपको मैं अपनी एक साइट दिखाती हूँ। तो ये मेरी साइट है, इस साइट को आप देख सकते हैं। जैसे मैं ओपन करूँगी तो यहाँ पर जैसे ये लोड हो रहा है, लोड होने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक पुश नोटिफिकेशन बन के आ जाता है कि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, वी वुड लाइक टू शो यू नोटिफिकेशंस फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहूँ तो इसको अलाउ करूँ या नो थैंक्स करूँ। अगर मैं नो थैंक्स कर दूँगी तो मेरे पास इसके नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैं इसको अलाउ कर देती हूँ तो मेरे पास इसके नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे। नोटिफिकेशन का मतलब है जब भी आप अपने ब्लॉगर पे कोई पोस्ट लिखेंगे तो जिसने भी आपके इस ब्लॉग को सब्सक्राइब कर रखा होगा, यानी इस बेल नोटिफिकेशन को अलाउ कर रखा होगा या सब्सक्राइब कर रखा होगा। मैंने यहाँ पे अलाउ बटन दे रखा है, आप अलाउ की जगह यहाँ पे सब्सक्राइब लिख सकते हैं और यहाँ पे नो थैंक्स लिख सकते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से। ये एडिटेबल होता है, आप जब मर्जी चाहे, आप जो मर्जी चाहे वो यहाँ पे आप एडिटिंग करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने अलाउ और नो थैंक्स लगाया हुआ है, आप चाहे जो मर्जी वो लगाएं। तो मेन फंडा यही है कि आप इसको अगर अपने साइट पे लगाते हैं तो उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि जो भी विजिटर्स को, किसी को आपका ब्लॉग पसंद आया, उसने इसको अलाउ कर दिया, तो अलाउ करने के बाद आप देखेंगे कि जब भी आप अपना कोई ब्लॉग पोस्ट करेंगे तो आपके उस विजिटर के पास आपके ब्लॉग की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और उससे होगा ये कि वो जो विजिटर है वो आपके उस ब्लॉग को ओपन करेगा, उसको पढ़ेगा, उससे आपका जो बाउंस रेट है वो भी कम होता है। अगर आपने आर्टिकल अच्छा लिखा है तो अगर उसको रीड करता है तो उससे आपका बाउंस रेट भी डिक्रीज होता है, और बाउंस रेट के साथ साथ आपका जो ब्लॉग पे ट्रैफिक है, जो विजिटर्स हैं, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है। तो आइए जानते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि अपने ब्लॉग पर आप पोस्ट नोटिफिकेशन को कैसे ऑन कर सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि आप पोस्ट नोटिफिकेशन को कैसे अपने ब्लॉग पर इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है फ्रेंड्स, आपको गूगल पे आना है और सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है वन सिग्नल। वन सिग्नल बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके पोस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मैंने और भी ट्राई किए हैं पर मुझे ये जो वन सिग्नल है इसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ और आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगी। ये देखिए, यहाँ पर आप onesignal.com का आपको एक लिंक दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉग इन या साइन अप करना है। अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉग इन करेंगे। तो क्योंकि आप इस onesignal.com के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे या कभी आपने सुना भी होगा, तो मे बी आपका अकाउंट ना हो, तो अकाउंट बनाने के लिए आपको साइन अप करना है, और अगर बाई चांस आपका अकाउंट है तो आपको लॉग इन करना है। ये देखिए, यहाँ पर एक onesignal.com की तरफ से यहाँ पर भी एक नोटिफिकेशन आ गया है, गेट नोटिफाइड नो थैंक्स। तो आप, इन्होंने भी अपने हिसाब से लगा रखा है नोटिफिकेशन अपना, तो आप भी हम क्या करेंगे यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करेंगे, इसको नो थैंक्स कर देते हैं और यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करते हैं। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपने मेल आईडी से लॉग इन कर सकते हैं। आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे गूगल, फेसबुक और गिटहब का ऑप्शन दिखेगा, तो आप यहाँ पे जिससे मर्जी उससे लॉग इन कर सकते हैं। मैं आपको अपने मेल आईडी डालते ही लॉग इन करके बताती हूँ। मैं यहाँ पे अपना मेल आईडी डालूंगी और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालूंगी और यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आपको नेम ऑफ योर ऐप और वेबसाइट में आपको अपने वेबसाइट का नाम लिखना है, तो ये मैंने लिख दिया लर्न ब्लॉगिंग। इसके बाद आपको यहाँ पे ये एंड्रॉयड, एप्पल, गूगल एंड्रॉयड ये सब पूछता है, तो हमें किसके लिए करना है, हमें वेब के लिए करना है, तो हम यहाँ पे वेब ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्फिगरेबल प्लेटफॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिखते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें ना ये देखिए आप यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको यहाँ पे टिपिकल साइट के लिए लेना होता है। आप मेन जब भी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा होगा कि ब्लॉगर वगैरह के लिए हमें ये वाला जो ऑप्शन चूज करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे वर्डप्रेस प्लगइन और वेबसाइट बिल्डर का ऑप्शन होता है, तो नॉर्मली गलती लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ब्लॉगर का ऑप्शन आता है, तो हमें यहाँ से नहीं करना है, हमें यहाँ से करना है। और यहाँ से करने के बाद हमें फिर से यहाँ पे अपनी साइट का नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पर हमें अपने साइट का URL डालना है, तो यहाँ से हम अपना URL कॉपी कीजिए और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपने साइट का आइकन डालना होता है, तो आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो मैं अपलोड कर देती हूँ, ये बहुत बड़ा आ रहा है, मैं इसको छोटा कर देती हूँ, बस ये
तक मैं ले लेती हूँ, उसके बाद उसको सेव पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर आपका आइकन आ चुका है। इसके बाद क्या करना है हमें, आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में परमिशंस प्रॉम्प्ट सेटअप आता है, तो यहाँ पर आपको पुश स्लाइड का प्रॉम्प्ट ऑलरेडी यहाँ पे एनेबल दिखता है। हमें इसके आगे क्या करना है, ऐड अ प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें पुश प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेल पे, ये ब्लू कलर, ये पर्पल कलर का यहाँ पे आपको ये कलर हाईलाइटेड होके आ रहा होता है, तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं छेड़ना है, यहीं पर क्लिक कर रहने देना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आप ये राइट हैंड में यहाँ पे रेड कलर का बेल देख सकते हैं, तो इसका साइज आप लार्ज कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, जैसा मर्जी कर सकते हैं, और ये लेफ्ट या राइट भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये मीडियम ही अच्छा लगता है और मुझे ये अपना राइट साइड में ही पसंद है। आप देख लीजिएगा आपको किधर रखना है, लेकिन ये जो इन्होंने ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट में सेट कर रखा होता है वो बेस्ट होता है, तो आप वो भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें यहाँ पर कलर दिख रहा होगा, तो आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं बेल का, तो सबसे अच्छा रेड ही लगता है, तो मैं यहाँ पर रेड प्रेफर करूँगी। आप अपने हिसाब से बेल कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लू कलर डाल दिया है मैंने, तो ब्लू आ जाएगा। मैं वापस इसको रेड कर देती हूँ, देखिए रेड हो गया। इसके बाद क्या करना है हमें, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं छेड़ना है और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपका सब्सक्रिप्शन बेल भी ऑन हो चुका है। इसके बाद हमें तीसरा एक और डालना है पुश प्रमोट करके, फिर से हमें देखिए कस्टम लिंक पे क्लिक करना है। कस्टम लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे बटन और लिंक दिखेगा, तो ये लिंक ऐसा दिखता है और बटन ऐसा दिखता है, तो आपको बटन पे क्लिक रहने देना है। साइज आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, तो मैं मीडियम पे रखती हूँ। कलर भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कौन सा कलर चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर दीजिए। अब ये तीनों का तीनों हमारे पास ऑन हो चुका है, तो हमें आगे बढ़ना है। और यहाँ पे देखिए आपको ये सब कुछ दिख रहा होगा, ये वेलकम नोटिफिकेशन आपको कैसा दिखेगा, आपको यहाँ पे टाइटल यहाँ पे दिख रहा है वैसे, तो आप चाहें तो आप ही लिख सकते हैं, नहीं तो आप देख लीजिए कम थोड़ा लाइट कलर में दिख रहा होगा आपको। उन्होंने एक सैम्पल दिया है कि ऐसा दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर आपको सैम्पल दिखा रहा है कि वो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसा छोड़ सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़िए और यहाँ पर आपको एडवांस व्हाट्सएप सेटिंग में कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको सीधा यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पास एक कोड आ जाएगा यहाँ पे 7th नंबर पे, ये देखिए यहाँ पे आपको कॉपी कोड करना है, इस पूरे कोड को कॉपी कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पे आपको अपने हेड सेक्शन में जो ओपन हेड टैग है उसके नीचे यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। तो उसको पेस्ट करने के लिए हम चलते हैं अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में, और यहाँ पे आने के बाद हमें जाना है थीम्स पे। थीम्स पे जाने के बाद हमें कस्टमाइज ऑप्शन में जाके हमें एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करना है। इसके बाद ये देखेंगे जो हेड टैग है वो सबसे ऊपर ही हमें मिल जाता है यहाँ पर, तो एक एंटर प्रेस करेंगे और उस जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हमने ये कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया है सिंपली। उसके बाद क्या करेंगे, इसको थीम को सेव कर देंगे। ये थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अपडेट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। अब हम जाएंगे अपने ब्लॉग पे और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रिफ्रेश करने के बाद आपके पास ये भी लोड हो रहा है। लोड होने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको ये जो आपका सब्सक्राइब बटन नोटिफिकेशन, ये आपको अपने ब्लॉग पे दिखने लग जाएगा। और ये देखिए अब यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे 15 सेकेंड सेट किया होता है, तो ये देखिए यहाँ पर अब आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ये यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब और लेटर का ऑप्शन आ रहा है, आप चाहे तो उसको एडिट कर सकते हैं। इसको एडिट करने का ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ ये एडिट करने का ऑप्शन कहाँ पे आता है। अब आपने ये देख लिया है, उसके बाद पहले इसको आप फिनिश कर दीजिए या फिर चाहे तो गो बैक पे जा सकते हैं। मैं पहले गो बैक पे जाके आपको दिखा देती हूँ कि इसकी सेटिंग कहाँ पर होती है। इसके टेक्स्ट को एडिट करने के लिए फ्रेंड्स आपको जाना पड़ता है पुश स्लाइड प्रॉम्प्ट पे। तो आपको यहाँ पे पुश स्लाइड प्रॉम्प्ट पे यहाँ तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए। थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे आप, तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे कस्टमाइज स्लाइड प्रॉम्प्ट टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लेटर और सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सब्सक्राइब की जगह अलाउ कर दूंगी तो यहाँ पे आपको अलाउ शो करेगा। तो आप अपना देख लीजिएगा आपको अलाउ रखना है या सब्सक्राइब रखना है, आपको जो रखना आप रख सकते हैं। और आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर जो पेज व्यू है, यानी कि कोई आपके पेज पर क्लिक कर, जब भी कोई आपके पेज पर आएगा तो कितने व्यू, कितने पेज व्यू पर उसको ये दिखेगा, तो आप देख लीजिए आपको 1 रखना है, 2 रखना है, जितने पेज व्यू शो करेगा, मतलब जितना लिया है वो एक ब्लॉग देख रहा है। तो
तो उसको एक ही बार ये शो करेगा। अगर मान लिया कि आपने अपने ब्लॉग पे कोई इंटरनल लिंकिंग डाली है और उसने उस वाले लिंक को भी क्लिक किया, तो उसके बाद उसको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसके लिए आप चाहे तो यहाँ पे 3-4-5 सेट कर सकते हैं। तो मैंने 5 सेट कर दिया है और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ये कितने सेकंड बाद, यानी कि जब वो आपके आर्टिकल पे क्लिक करता है, जब आपके ब्लॉग पे क्लिक करता है, क्लिक करने के कितने सेकंड बाद वो पुश नोटिफिकेशन उसको दिखेगा। तो यहाँ पे 10 सेकंड सेट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे 10, 5, 7, 15 जितना चाहे अपना सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 7 कर देती हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको क्या सेट करना है। उसके बाद आप इसको यहाँ पे सिंपली डन पे क्लिक कर दीजिए। अब वापस से इसको रिफ्रेश करके आप एक बार चेक कर लीजिए कैसे क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अभी 10 सेकंड होते ही, 7 सेकंड होते ही आपको यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन दिखने लग जाएगा। ये देखिए आ गया ना, इस बार जल्दी आया ना, पिछले वो 10 सेकंड था, अभी मैंने यहाँ पे 7 सेकंड कर दिया है, तो ये अब आपको दिखने लग जाएगा। इसके बाद आपके जो व्यूवर्स हैं वो चाहे तो यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, या उसे लेटर पे क्लिक करेंगे तो उसको ये दिखना बंद हो जाएगा। सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो जब भी आप कोई पोस्ट लिखेंगे तो उनके पास आपकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। जैसे हम लोग आपको बोलते हैं ना यूट्यूब पे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन का मतलब ही यही है कि अगर आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देते हैं, जैसे ही हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती है कि इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड हुई है। सेम यही प्रोसेस इस पुश नोटिफिकेशन का भी है, सेम यही काम पुश नोटिफिकेशन का भी है। तो आप इसको एनेबल करके अपने साइट का, वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे आज के इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ब्लॉगर से रिलेटेड किसी और क्वेश्चंस के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।